सर शर्मिला है हरियाणा से, ये पैरा एथलेटिक्स में शॉटपट के खिलाड़ी हैं सर। नमस्ते सर, नमस्ते शर्मिला जी। शर्मिला सर मैं जी, हरियाणा से। आप हरियाणा से हैं तो खेलकूद में तो हरियाणा होता ही होता है। अच्छा, आपने 34 साल की उम्र में खेलों में कैरियर शुरू की और आपने 2 साल में ही गोल्ड मेडल भी जीत कर दिखा दिया। जरा मैं जरूर जानना चाहूंगी, चमत्कार कैसे हुआ, आपकी प्रेरणा क्या है? सर मैं हरियाणा से, जिला महेंद्रगढ़ थौली से निवास करती हूँ, रेवाड़ी में मैं रहती हूँ। और सर मेरी जिंदगी में बहुत बड़े तूफान आए हैं, लेकिन मेरा बचपन से शौक था खेलने का, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। फैमिली में भी गरीब थे मेरे पापा, माँ ब्लाइंड थी, 3 बहनें एक भाई है हमारा, बहुत ज्यादा गरीब सर। फिर मेरी छोटी उम्र में शादी कर दी गई, लेकिन आगे हस्बैंड कुछ नहीं मिले, बहुत अत्याचार किए। मेरी 2 बेटियां हैं सर, वो भी स्पोर्ट्स में है, लेकिन तीनों तीनों माँ बेटियों पर हम पर बहुत अत्याचार हुआ। तब मेरे माँ बाप मुझे अपने मायके में ले आए, 6 साल मैं मायके में रही हूँ सर। लेकिन मेरे मन में बचपन से ही कुछ करने का था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला सर मुझे। तो सेकंड मैरिज के बाद मुझे खेल स्पोर्ट्स में हमारे रिलेटिव टेकचंद भाई जो है फ्लैग बैरियर रहे हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और उन्होंने डेली 8 घंटे, सुबह शाम 4-4 घंटे बहुत मेहनत करवाई मेरे से, और उनकी वजह से आज मैं नेशनल में 1 साल 2 साल में मैं गोल्ड मेडल ले चुकी हूँ सर। शर्मिला जी, आपके जीवन की अनेक बातें ऐसी हैं जिसको सुनकर के कोई भी ये सोचेगा कि भाई अब आगे जाना नहीं, छोड़ दो दुनिया में, लेकिन आपने कभी हिम्मत हारी नहीं। शर्मिला जी, आप सर मतलब वाकई हर देशवासी के लिए एक रोल मॉडल है, और आपकी 2 बेटियां भी हैं। जैसे आपने कहा, अब उनको भी जरा खेलकूद की समझ आ रही है, वे भी काफी सर वो रुचि भी लेती होगी, और वो भी आपसे खेल में पूछताछ करती रहती होगी, उनकी रुचि क्या है उन बच्चों की। सर, बड़ी बेटी जेवलिन में है, अंडर 14 में अब खेलेंगी, लेकिन बहुत अच्छी बनेगी वो खिलाड़ी भी। अब भी शायद टॉप है हरियाणा में, जब गेम होंगे उस दिन चलेगा सर। छोटी बेटी टेबल टेनिस में है, मेरी इच्छा है कि मैं मेरी बेटियों को भी खेल में लाके उनका भी जीवन अच्छी तरीके से बनाऊं, क्योंकि जो जो मैंने झेले हैं ये बच्चों पे न आए, उनको अच्छा भी मैं शर्मिला अपनी देश जी, सेवा में ही। आपके जो कोच है टेकचंद जी, सर वो भी पैरालंपियन रहे हैं, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ सर, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया है। और करवाई है 4-4 घंटे की, जब मैं स्टेडियम में नहीं जाती तो घर पकड़ पकड़ के ले जाते थे, थक जाती थी। फिर उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि हार मत मानना, जितनी मेहनत करेगी उतना फल तेरे आगे आएगा, मेहनत पे ध्यान दो। शर्मिला जी, आपने जिस उम्र में खेलने की सोची उसमें बहुत से लोगों के लिए खेल शुरू करना मुश्किल होता है। आपने साबित कर दिया कि अगर जीतने का जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। हर चुनौती आपके लिए हौसले के आगे हार जाती है। आपका समर्पण पूरे देश को प्रेरित करता है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी बेटियों को आगे ले जाने का आपका जो सपना है वो अवश्य पूरा होगा। जिस लगन से आप काम कर रही है, आपकी बेटियों का जीवन भी वैसा ही उज्जवल बनेगा। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बच्चों को आशीर्वाद है।